रेसिपी खालायनाय बांगुय ते वाग बाहाननि मसुदें दिने आनि रेसिपी अबनो आं ताबो लाइरु खोलना लिबागे फायो लाइरु उ जागाबो आनि लाइन बतंग लगु लगि गायजा अबनि बांगुय बिनि सोलोंनाय आं फालिक बागान थांले बागाने बिसिं बिसिंग गुवाय गायजाक दङ बे नारिखेराबो गायजाक दङ इ कबुथाय गायजाक बे आनि लगिबो दङ आनि लाखि लाखि इको खुलुंका को खुलुंका लाकी खुलुंका हिंदे दी कैसा दुसाती आना हर मनो कहाँ का इसको इसी दी वो तो समो यंसा कोंसा रो बाउई तंगो बांगुई पत्ते को ठीक से एक कपड़ा छोटा कपड़ा लेके इधर उधर करके ऐसे धो लेना इनी आं जे रेसिपी सुनामना बागै नाहारका अबंखा गुरिया माइरुं वाग बाहान प्याज ते मोसो कथां हासिं नारिखरा सम गाय बांगुइ बुलाय वाग बाहान लकाय आं वाग बाहान मसिदे सुनामना मैंने आज जो रेसिपी बनाने के लिए जो जो चाहिए वो मैंने ले लिया स्टिकी राइस बांगुई के लिए और पॉर्क मीट और बत्ता बनाने के लिए उसके लिए थोड़ा मसाला लिया मैंने प्याज ग्रीन चिली अदरक नारियल और नमक और उसके लिए बांगुई लीव्स वाक बहाना कहाँ पर सुई नहर का रुंगनानि फुताबो रुंनाय रुंनानि फुलो केचा सम रिदि बिसे तारे दे कम खायन रिदे आर परे तै तै बे बिसे तालु दे तीन चारटा सिटिं खाय कमसो कम तीन चारटा या छयटा से सिटिं खाय तिखलाय रिदे गाय न बयल खा पर्क बयल करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर पर लिया और थोड़ा सा पानी डाला और नमक थोड़ा सा डाला ज़्यादा नहीं डालना नमक और अभी मैं इसको गैस के ऊपर रखने वाली हूँ कम से कम 6-7 बार सीटी दे चुका है उसको मैं निकाल लेती हूँ हुआ 6-7 बार शीश रिका वाग बहान अब आंखों लगे जाने मुझे मुंखा
पोर्क का मीट का बॉयल किया था वो हो गया, हो गया बॉयल हो गया। अभी निकाल लेते हो रुगमा नींबू का पिछले समय। घंटा खा समय तो रेगा तब बुतई दु दंगन खिबी रहना देखिए। राइस को मैंने दो घंटे तक बिगुल को रखा और उसके अंदर से जो पानी है मैं निकाल लेती हूँ। नारियल पीस रहे हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देंगे थोड़ा सा ही देंगे वो टेस्ट होने के लिए, ज़्यादा नहीं देना थोड़ा सा ही देना है। मैं फिर अभी सीता दीदी कम नो दीदी पीसी रेखा चाय मांगला और टेस्ट की चाय कहा मुंगना ने बागुई प्याज कुचि कुचि खाई रा दी प्याज छोटी छोटी करके काट के पीस करके डाल देना। ऐसे करके काटना आधा चिकन चिकन खाए राय दीदी बीसे तारे दे बीसे रिखा खाए खाना ही अदरक छोटी छोटी करके काट के देना। ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा देने से करवा लग सकता है खा नहीं पाएगा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सम उजुन खाई दे चाना बोलू मान नमक डाल रही हूँ मिक्स करने के लिए, ज़्यादा नहीं डालना और टेस्ट करके भी नमक डाल सकता है। बांगने बागे आंगर प्याज रिखा आदा रिखा सम रिखा कहाम का मिक्स खा दी बांगुई के लिए मैंने यहाँ पर प्याज डाला अदरक डाला और नमक डाला। इसको अच्छी तरह मिक्स करना और नमक टेस्ट करके भी दे सकता है। बांगुई खाना नहीं बागुई आंग बांगुई बुलाइन दौलना है बांगुई ने जे सका तो मनी बनो सका उन्होंने तो नहीं बिशिंग ने बिशिंग का तोड़ना है। बांगुई लीव्स बांगुई फूल बनाने के लिए फ्रंट साइड बाहर और बैक साइड अंदर ऐसे करके इधर पकड़ना इधर पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता करके लेके जाना आहिस्ता आहिस्ता करके इतना तक ऐसे करके होल बनाना ऐसे करके। और उसके अंदर जो मैंने मिक्सर करके रखा राइस को डालना स्टिकी राइस, ज़्यादा टाइट नहीं करना जिसे टाइट टख लाई दी मुंगला, ज़्यादा टाइट हो गया तो वो पकाने में हाफ बॉयल भी हो सकता है इसलिए टाइट नहीं करना। इतना तक छोड़ देना और उसके बाद उसके मुँह को क्लोज करने के लिए ऐसे करके उनको इधर ले जाना और बेम्बू का स्टिक लिया है मैंने बेम्बू का स्टिक के साथ ऐसे करके बेम्बू का स्टिक नहीं तो
ट्रैक से भी बन सकता है, धागा से भी बन सकता है। तो धागा थोड़ा बड़ा करके लेना, बेम्बू का साथ बांध के बंगड़ी बना लिया मैंने। अब उसको उबलना पड़ेगा, बॉयल करके उबल के उसको पकाना पड़ेगा। देखो तुम बस हाथ लिखे आए सौ दो चम्मच दी, नमक दो चम्मच डालना गरम किया हुआ पानी पर, तेल के फ्राई कैसे कैसे करना। मेरा पर्क का मीट हो गया, जब मैंने बॉयल किया था तब मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, अभी थोड़ा सा नमक मैंने फिर डाला और मिर्ची को थोड़ा ऐसे पेस्ट करना है। वाक वाहन रोपुरो कम खींचा रिखा तबो मोसेदें खुलमो सोनो खुलमो मोसेदें खाने ने बज गई आंगाफुर खींचा सम रिखा ओलसा नहीं उल्टी टेस्ट करके नमक दे सकता है। कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई कम खाता है। प्याज डालना है, प्याज तो मैंने पहले से छोटे छोटे करके काट के रखा और अदरक भी छोटे छोटे करके काट के रखा, डाल दूंगी। डाल के अभी वो मिर्ची से मिक्स करूंगी। मसो बक्सा बक्सा तो प्याज किसा फुली दिना है हल्का हल्का, ते आधा वो फुली दिना किसा हल्का हल्का के। प्याज मिर्ची और अदरक अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने और इसके अंदर पर्क का मीट डाल लूँगी। लवण आपने टेस्ट के अनुसार दे सकते हैं। और थोड़ा इसको मैं हल्का सा गैस लो करके फ्राई करके लाऊंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करना होगा। मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, अभी मैं बत्ता को डाल देते हैं। थोड़ा हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। तेल के बगैर फ्राई करना है, तेल में ही डालना। मीट का वो बत्ता है हो गया, जब फ्राई
फ्राई करना है तब तब गैस लो पर रखना, 5 मिनट तक फ्राई करना, इसके ज़्यादा नहीं है। मेरा फ्राई हो गया, बस हो गया, अब निकाल लेती हूँ। गैस ऑफ कर दिया मैंने। पर्क का बत्ता हो गया, कुबांगुल भी हो गया, कुबांगुल खाके थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे। ये मेरा भाई का बेटी है, वो भी मेरे साथ आज खाएंगे। ऐसे करके खोलना, खाकर देखो टेस्ट करके बताना कैसा लगा। सऊ शादी भाई ने देखा, थोड़ा थका बनाकर खा कर देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी खा रही हूँ मैं, मेरे डॉगी है उसको भी भूख लगा होगा, उसको खाना। तुमको भी भूख लगा है? ठीक है, मैं थोड़ा वेट करो।